फतेहपुर जिले में अखिल भारतीय मौर्य महासभा का गठन राजेश कुमार मौर्य जी ने किया, जिनके नेतृत्व में गणेश दासपुर मौर्य भवन में किया गया, जिसमें सबसे पहले बुद्ध जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य समाज के कार्यकर्ता एकत्र हुए, जिन्हें अखिल भारतीय मौर्य महासभा के उद्देश्य को बताते हुए उन्हें कार्य करने की प्रेरणा दी गई और उन्हें मौर्य महासभा का कार्यभार सौंपा गया और अखिल भारतीय मौर्य महासभा के कार्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस सभा में उपस्थित लोग अजय मौर्य, राजेश कुमार मौर्य, फूल सिंह मौर्य, रामनरेश मौर्य, शिव मोहन मौर्य, रामानंद जी मौर्य, शत्रुघ्न मौर्य, मिश्रीलाल मौर्य, रामकिशन मौर्य, महेंद्र मौर्य, राम प्रसाद मौर्य, सुशील कुमार मौर्य, संदीप कुमार मौर्य, दिनेश कुमार मौर्य, अभिमन्यु सिंह मौर्य, इस तरह से सैकड़ों लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आए सुने क्या कहा डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य, जो इस मौर्य महासभा के संचालन कर रहे हैं। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो, संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। चक्रवर्ती राजा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए उनके पौत्र सम्राट अशोक मौर्य, जो इस भारत में है, जो कम से कम 52 देशों में राज करने वाले, आज ये तो एक देश है लेकिन इनका इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा शासनकाल, इतना बड़ा साम्राज्य, जो बर्मा से, ईरान से बर्मा तक, मतलब इतने बड़े शासक होते हुए भी जो महान राजा हुए और उनका ये इतिहास है, मैं उनको नमन करता हूँ। और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा भाई फुले सैनी जी, जिन्होंने हमारे समाज व सभी समाजों के लिए उन्होंने कितना अपना बलिदान दिया और कितना उन्होंने समाज को जगाने का कार्य किया, उनको मैं नमन करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी माता सावित्री बाई फुले, जो विद्या की देवी कही जाने वाली, जो सर्वप्रथम जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा देना शुरू किया और महिलाओं के लिए विद्यालय सर्वप्रथम उन्होंने खोला, और मैं उनको नमन करते हुए भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें, हमारे समाज को, जिसको ब्राह्मणों ने तिरस्कार कर दिया था और उन्होंने सभी को